हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मिलता है आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ख़ुद को करते रहिए अपडेट। अभी हाल में क्या हुआ कि एक पाकिस्तान की एज गवर्नमेंट के एक डॉक्यूमेंट क्या हुआ, लीक हो गया। और उस डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ था। अफगानिस्तान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ से एक डॉक्यूमेंट लीक होता है और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के हाथ लगी। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि पाकिस्तान जो हमेशा ये कहता है कि हमारी मिट्टी में, सॉइल में टेररिज्म नहीं है और यहाँ पर कोई भी संगठन एक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ देखने को ये मिला कि 24 पाकिस्तान वोमेन जो कि अफगानिस्तानी जेल में बंद हैं, वो इस वजह से क्योंकि ये पाकिस्तानी जो वोमेन थी वो जो वहाँ का आईएस जो वो हम कहते हैं इस्लामिक स्टेट जो सीरिया और इराक से जो निकला था उसी का बी टीम कह सकते हैं, आईएस खोरासन या खोराशन बोल सकते हैं, उसके साथ इनका टाई था। आखिर क्या है ये पूरी न्यूज और क्या डॉक्यूमेंट लीक हुआ, जानेंगे इस वीडियो में सारा डिटेल से। तो बस बने रहिए मेरे साथ, करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसा कि एक आर्टिकल्स है कि 24 वोमेन, कितनी 24 पाकिस्तानी वोमेन अफगानिस्तान की जेल में विथ आईएस कोरशन और जो एक टेररिस्ट ग्रुप है उसके साथ में ये टाई हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रिवील, ऐसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो है उसने रिवील किया है। आखिर क्या है जान लेते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको पहले हम क्या है कि 24 पाकिस्तानी वोमेन, 24 पाकिस्तानी वोमेन हैज बीन एम्प्रेज इन चिल्ड्रेन 46। और ये सिर्फ वोमेन नहीं है, इनके साथ में 46 अब चिल्ड्रेन भी हैं इनके, जो कि वो भी वहीं पाकि जो अफगानिस्तानी जेल है वहाँ पर ये बंद हैं। और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, आईएस खोरासन, आईएस खोरासन जो कि एक कह सकते हैं इस्लामिक स्टेट का ही बी टीम है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे आखिर क्या है ये। तो ये पता कैसे हुआ, जो पाकिस्तान का था वो इंटरनल डॉक्यूमेंट रिवील्ड करता है ऐसा, जो कि वो लीक हो गया। और ये जो वोमेन हैं तो ये अरेस्ट की गई किसके द्वारा, जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंसी है एनडीएस, किसके द्वारा, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है एनडीएस, उसके द्वारा ये 24 वोमेन जो हैं अरेस्ट की गई थी। हालांकि इसमें से जिनका जो पनिशमेंट मिला है, जो इनका जितनी सज़ा मिली है वो ख़त्म होने के बाद में इनको रिलीज़ किया गया। ऐसा एक केस भी देखा गया कि एक महिला थी उसका केस ख़त्म हो गया, उसको जेल जितनी टाइम का दिया गया था उसके बाद उसको निकालने के बाद दोबारा से उसको जेल में डाल दिया गया दोबारा से। तो अब यहाँ पर ये है कि ये जो पाकिस्तानी वोमेन हैं तो अफगानिस्तान की एक जेल है पल ए चरखी प्रिजन, कौन, पल ए चरखी प्रिजन जो कि अफगानिस्तान की जेल है काबुल में है। तो यहाँ पर ये महिलाएं क्या हैं, जेल में हैं। और यहाँ पर हुआ ये कि कुछ समय पहले पिछले महीने में अगर देखने को मिलता है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो उनकी मिनिस्ट्री है किसकी, अब पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान विमेन हैज़ बीन डिटेन डिफरेंट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या थी कि ये
अफगानिस्तान में अलग अलग जेलों में भी हैं। कुछ ये जो चरखी जेल है, पले चरखी, वहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर उसका देखने के लिए कि जो वोमेन डिटेंट में हैं वो किस टाइप से हैं, कैसी हैं, तो अभी दौरा किया गया था लास्ट मंथ। जो पाकिस्तानी ऑफिशियल विजिट द पले चरखी प्रिजन देखा था काबुल में। और यहाँ पर होता ये है कि जो इसमें जितने भी ये लोग हैं, फीमेल्स हैं और चिल्ड्रेंस हैं, तो पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि ये जो इसमें से जितने वोमेन हैं, तो जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है तो उसमें से उनके एड्रेस भी हैं, इंटरव्यू भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उसमें इस लीक डॉक्यूमेंट में उनको पता चला है। तो यहाँ पर जितनी भी ये वोमेन हैं, और ये साउथ एशिया प्रेस रिपोर्ट का कहना है ऐसा कि जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है तो इसमें इंटरव्यू भी इंक्लूड हैं, रिकॉर्ड जो पड़े हुए हैं और टीम के साथ, और साथ में इसमें उनके नाम भी हैं, एड्रेस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं इस लीक डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान क्या कहता है। तो पाकिस्तान, जैसे कि अभी बताया मैंने कि पाकिस्तान गवर्नमेंट क्लेम द इस्लामिक स्टेट ग्रुप इज़ नॉट एक्टिव इन कंट्री। तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमारी कंट्री में इस्लामिक स्टेट ग्रुप जो IS है वो एक्टिव नहीं है, इसको हमने ख़त्म कर दिया है, और कोई भी डू नॉट अलाउ पीपल टू क्रॉस ओवर इन टू द अफगानिस्तान ज्वाइंट टेररिज्म ग्रुप, और ये हमारी कंट्री अलाउ नहीं करती है कि जाकर अफगानिस्तान में टेररिज्म को, ग्रुप को या इस्लामिक स्टेट को, उसको ज्वाइन कर लो। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट है, किसका, इमरान खान का, और किसका। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये रिपोर्ट क्या कहती है कि पहले तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है, आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान जो लड़ाके हैं, जो वहाँ के मेल हैं या कह सकते हैं कुछ टीनेजर भी हैं, तो ये क्या करते हैं कि रेडिकल्स होकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ सालों से देखने को ये मिल रहा है कि टेररिस्ट ग्रुप इन अफगानिस्तान रिफ्लेक्टिव ऑफ लार्ज ट्रेंड ऑन गोइंग द सेंस लास्ट फाइव फ्यू ईयर्स। कुछ सालों से यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो वोमेन हैं वो भी क्या करती हैं कि इस टेररिज्म को ज्वाइन कर लेते हैं। सेवरल केसेस वुमेन पाकिस्तान बीइंग रेडिकलाइज एंड लिविंग द कंट्री। तो ये देखने को यहाँ पर मिलता है कि पहले तो यहाँ पर सिर्फ मेल की ही बात थी, लेकिन यहाँ पर अब वुमेन का भी, और ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है वही करा रही, उसे सब पता है गवर्नमेंट को। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट अनजान है, गवर्नमेंट को हर चीज़ पता होती है, अपनी इंटरनेशनल, नेशनल, हर चीज़ें। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन है क्या है ये। तो आपको देखने को यहाँ पर ये मिलता है कि 2015-16 में आपने देखा होगा कि 2015-16 में सीरिया इराक में क्या होता है कि जो अमेरिका है उसमें ख़त्म करने के लिए, उसमें बड़ा काम करता है इस IS को ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ से बचने के लिए IS ने अपना सर तो बचाना ही है कहीं ना कहीं, तो क्या किया, फोकस ऑफ अफगानिस्तान, शिफ्टेड इट्स फोकस ऑन अफगानिस्तान, टू फोकस अफगानिस्तान। तो उसने मूव किया कहाँ की ओर, अफगानिस्तान के। अब अफगानिस्तान की ओर क्यों मूव किया, और भी कंट्री थी। तो यहाँ पर अफगानिस्तान का क्या था कि यहाँ ऑलरेडी पहले से तालिबान था, कौन था, तालिबान था। तो यहाँ गवर्नमेंट अपने पावर में रहते हुए भी अपने पावर में नहीं रहती है, समझ रहे हो ना, सेंटेंस बड़ा गहरा है, कि पावर में रहते हुए भी पावर में नहीं रहती है। कारण इसका, तालिबान है
और भी छोटे छोटे ग्रुप हैं टेररिस्ट के, और यूएसए मिलिट्री भी वहाँ पर है। तो क्या हुआ कि इनको यहाँ पर मौका मिला, किसको? आईएस को। और इसी को इन्होंने नाम दिया क्या? इस्लामिक स्टेट खुरासान। और यहाँ पर देखने को ये भी मिलता है कि इसने अपने जो बेस हैं तो कहाँ पर तैयार किए? ईस्टर्न अफगानिस्तान में। कहाँ पर? ईस्टर्न अफगानिस्तान में। और ये ग्रुप ज़्यादातर क्या करता है, एक ब्लैक फ्लैग्स नोटोरियस टाइप में एक ये करता है, और जिसमें कहता है कि मुस्लिम यूथ अक्रॉस एशिया टू ज्वाइन देम, और उनको जितने भी एशिया के हैं लोग हैं मुस्लिम हैं उसको ज्वाइन करें, किसको? इस्लामिक स्टेट खुरासन को। तो ये कुछ इस्लामिक स्टेट खुरासन है। और अब इसमें क्या है, एक चीज़ और भी आ गई, क्या कि जो तालिबान है तो वो नहीं चाहता था कि इस्लामिक स्टेट शिफ्ट हो अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि अफगानिस्तान में सिर्फ मेरा ही मेरा कायम रहे, तो वो नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान में ये इस्लामिक स्टेट यहाँ पर पनपे और यहाँ पर बढ़े। और यहाँ पर ये चीज़ भी देखने को मिलती है क्या कि जो इस्लामिक स्टेट है तो ये आम पब्लिक को भी मारता है, सिविलियन को भी, लेकिन जो टारगेट करता है तालिबान तो वो आर्मी करता है, पुलिस को करता है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा गेम हो गया, इराक से और सीरिया से, उधर से इस्लामिक स्टेट को ख़त्म करने के लिए जब अमेरिका ने अपना काम शुरू किया, तो जब वो यहाँ शिफ्ट हुए तो यूएसए ने क्या किया, तालिबान को, यूएसए ने तालिबान का सपोर्ट किया कि आप इस इस्लामिक स्टेट जो आईएस ग्रुप है इससे आप लड़िए और इनको मारिए। तो इसमें तालिबान ने क्या किया, बहुत सारे जो आईएसकेपी के लीडर्स थे उनको मार दिया, बहुत सारे मारे गए। आपको अप्रैल 2017 में देखने को ये मिलता है, यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोल दिया कि इन पे इतना घातक हथियार को यूज करो पावरफुल जो नॉन न्यूक्लियर बम हो, मतलब बम के बाद में जो आता है वो नॉन न्यूक्लियर बम, और वो इतना घातक जिसको मदर ऑफ बम्स कह सकते हैं, जिससे कि ये जो आईएस केव है और जो ईस्टर्न अफगानिस्तान में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब इनके जो अड्डे हैं वो सारे क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलती है, क्या कि यूएसए ने किसके साथ एग्रीमेंट किया, तालिबान को पढ़ाया आगे, किसको ख़त्म करने के लिए, इस्लामिक स्टेट आईएस ख़त्म करने के लिए। अब इसके बाद में होता ये है कि जो अब यूएसए की जो आर्मी है तो लगभग सितंबर में, यही सितंबर 2021 का, वापस हो जाएगी। अब जब ये वापस हो जाएगी वहाँ से तो फिर वहाँ पर क्या होगा, तालिबान जो है वो भी एक्टिव है, और उसकी सोच ये है कि वो नहीं चाहता है कि वहाँ पर अलकायदा आईएस ये सारे अफगान सॉइल पे ये ऑपरेट करें अफगान को, तो एक यहाँ पर फिर से युद्ध होने के चांसेज हैं, पहले आपस में ग्रुप हैं ये भी लड़ सकते हैं, फिर देखो कहाँ कैसा क्या पहुँचता है, मतलब किस तरफ करवट लिया जा रहा है देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो हमारा तालिबान है, तो तालिबान क्योंकि ये चाहता है कि भाई अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही काम चले, क्योंकि जैसे ही यूएसए आर्मी अगर यहाँ से हटेगी तो सीधी सी बात है
चाहे वो अलकायदा हो चाहे आईएस हो, सब चाहेंगे कि जो छोटे या ईस्टर्न पार्ट हैं या साउथर्न पार्ट है जो भी है वहाँ पर किसका इनका कब्जा हो जाए। और अब तालिबान नहीं चाहेगा कि इन जो उनके प्रोविंस हैं उन पे कब्जा हो इनका। तो हो सकता है आगे इन द फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही यूएस आर्मी यहाँ से निकलेगी वापस होगी सितंबर तक, तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ होना है और बड़ा होना है। आगे कहाँ तक पहुँचता है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि ये यूएस आर्मी लगभग में अभी तक आधी अपनी ट्रूप्स जो कंप्लीट कर चुका है और सितंबर तक ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा वापस चला जाएगा, तो देखते हैं आगे जो भी अपडेट मिलती है मिलेगी आपको इस वीडियो की अपडेट। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।